नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल इंपोर्ट एसएससी एग्जाम में। तारीख है 12 जनवरी और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। वीडियो को कर दीजिए थोड़ा सा शेयर, मन करे तो लाइक कर दीजिए, ना मन करे तो भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन अब यूट्यूब ने छोड़ा ही नहीं है। क्योंकि अगर आप डिसलाइक करेंगे तो वो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने डिसलाइक किया भी है, तो इससे अच्छा है कि लाइक ही कर दीजिए, इस गरीब आदमी का भला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हूं, मेरी आवाज जो है वो आप सभी को सुनाई दे रही है, मैं एकदम प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा हूं। चकाचक एकदम बढ़िया ठंड हुई है आज, ऐसा लग रहा है कि जो हिमाचल वगैरह में बर्फ पड़ी हुई है उसका असर आज यूपी में भी देखने को मिल रहा है, और यहां तो बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है। आपके पास क्या स्थिति है फटाफट से बताइए। फिलहाल बिल्कुल आज है 12 जनवरी और आज मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। फिलहाल आइए देख लेते हैं आज की हमारी हेडलाइंस क्या है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि अगर अभी तक आपने रीनी भाई राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप मुझसे रोज पूछते हो सर पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ तो पीडीएफ यही है, यही तो है, देखो जाके पीडीएफ यहीं पर मिलेगी, सारी की सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एक रैंक बूस्टर बैच जो है वो ऑल इंपोर्ट प्रेजेंट करता है आपके लिए, ये बैच आपको 979 रुपीज में मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करेंगे राहुल सर। इस कोड का प्रयोग करने पर ये आपको थोड़ा सा और कम पैसे में भी मिल सकता है। तो फिलहाल क्या करें, अच्छा नहीं लगता है कि आपको रोज और कोर्स के बारे में बताऊं, आप में से कई लोग छिड़ जाते होंगे हर रोज कोर्स के बारे में बताता है ये आदमी, मजबूरियां हैं, है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी दोस्त, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो फिलहाल आज की पहली हेडलाइंस है कि 11 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन, और कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 2021 में जितने भी नाम चेंज हुए वो सारे आज की लिस्ट में है। रतन टाटा की जीवनी रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये पुस्तक नवंबर में आएगी, किसने लिखा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2021 पांचवां सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ है और ये यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है। भाई साहब हम लोग चाहे जितना कोशिश कर लेना ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। झूलन गोस्वामी को बनाया गया है लीजेंड लीग क्रिकेट का एम्बेसडर। विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच किया गया है तैयार, यानी कि अपने आप ही पूरा ट्रैफिक जो है वो कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, खुद ही मैनेज हो जाएगा। एक भारतीय ने यह पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है इसलिए ये चर्चा में रहेगा। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार प्रदान किए गए। सतीश अडिका को मिला सुभाष मुखर्जी पुरस्कार। एजाज पटेल ने जीता दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। वीवो की जगह अब टाटा ग्रुप होगा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर, यह बहुत सही चीज हुई। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे पियरे ओलिवियर। ओडिशा सरकार ने मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ा करके 180 दिन किया है और आयु में भी जो सरकारी नौकरी है उसमें भी आयु में छूट दी है, 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है। भारत ने किया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण। किसी को सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सुनते वही है जो वो सुनना चाहते हैं। कभी भी किसी के सामने अपने आप को जस्टिफाई मत करना। अक्सर आप अपने जीवन में इस तरह के रिलेशनशिप में जाएंगे जब आपको लगेगा कि यार मुझे मुझे अपने मुझे बताना चाहिए कि मेरे मन में क्या है, मुझे बताना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं हूं, और यकीन मानिए कभी भी जस्टिफिकेशन करने से आप अपनी इज्जत को वापस नहीं पा सकते, या अपने मुकाम को आप वापस नहीं पा सकते, या अपने स्थान को आप वापस नहीं पा सकते। मेरा पर्सनल ये अनुभव रहा है कि अगर मैं आपके मतलब की बात नहीं करूंगा तो आप कतई नहीं सुनेंगे, मेरे मतलब की बात कोई नहीं सुनता। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को ज्यादा कमजोर मत महसूस किया करें, हमेशा बी पॉजिटिव। अगर सामने वाला आपको चाहता है या आपको पसंद करता है या फिर आपके साथ संबंध रखना चाहता है, आपके साथ बना रहना चाहता है, तो वो आपकी बात जरूर सुनेगा, और अगर ऐसा है तो आपको उसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी भी किसी के सामने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जो आपके अपने हैं उनको एक्सप्लेन करने की वैसे ही जरूरत नहीं होगी, वो इशारों में ही समझ जाएंगे तभी वो अपने हैं, और जो आपके अपने नहीं है तो उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या है। तो कंप्लीटली एक्सप्लेन मत किया करो, जो भी है जैसा है चलने दो। फिलहाल अब बात कर लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था।
कल हमने भाई पढ़ा था बहुत कुछ, और उसमें से पहली इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, आप में से जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि भाई हम लोग करते हैं प्रीवियस डे रिवीजन, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था, ताकि हम एक नजर डाल सके कि हमने कल क्या पढ़ा था, और फिर उसके बाद हम लोग आज के करंट अफेयर्स करते हैं। तो इसको एकदम फटाफट से कर जाएंगे। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। आप लोग ABCD जरूर टाइप किया करो कमेंट सेक्शन पे, जल्दी 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 टाइप किया करो। हाँ, गुड मॉर्निंग। आगे, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग जो है वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो चाइना का जो तियांगोंग अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है उसको अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो ये जो है चाइना। अच्छा, चाइना की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने स्पेस वॉक किया, उनका नाम क्या है? वांग यापिंग। ये नाम याद रखिएगा। किस देश के चांग E5 लैंडर को चंद्रमा की सतह पर पानी मिल गया है? तो चांग E5 किसका था? चाइना का। वहां से 1731 ग्राम का टुकड़े लाए थे, उसमें पता चला कि पानी निकला है, थोड़ा सा पानी निकला है। IHS मार्केट लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये बन जाएगा 2030 तक। फटाफट करते जाओ, कमेंट में आंसर करते जाओ। वर्ष सर्वश्रेष्ठ 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार किसने जीता है? तो ये केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ने जीता है। कल मैंने आपको एक नाम और बताया था, मुबारक खत्री का नाम आप याद रखिएगा। मुबारक खत्री, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। मुबारक खत्री जी जो है, इनको आर्टिशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आगे, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उनका नाम है भारत सुब्रमण्यम। इससे पहले 72वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? मित्रबा गुहा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? अर्जित पटेल को। RBI के 24वें गवर्नर जो रहे अर्जित पटेल, उनको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। और कल मैंने आपको इसका मुख्यालय भी बताया था, AIIB का मुख्यालय कहाँ है, जरा कमेंट में लिख करके बता दो, फटाफट से बता दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो 4 गांव ऐसे हैं जिनको राजस्व गांव के रूप में घोषित किया गया है। बाकी की डिटेल कल वाले करंट अफेयर्स में है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है, ये कौन सा है? तो ये है स्वदेशी पूर्ण रूप से विकसित विमान, जो आपका युद्ध पोत है वो है विक्रांत। ठीक है, वो है विक्रांत। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। 71st जो संकल्प गुप्ता, मैं पूछ रहा हूँ AIIB का मुख्यालय, संकल्प गुप्ता के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। किंग रिचर्ड के लिए पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस एक्टर ने जीता है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्डों की घोषणा हो गई है, विल स्मिथ को मिला है पहला गोल्डन ग्लोब, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार गोल्डन ग्लोब में। आगे, हाल ही में मेलबर्न का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने मेलबर्न खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? तो श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने यहां एक लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है, श्रीलंका। ठीक है, आगे, अब बारी है आज के करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर्स सबसे पहली जानकारी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको इस प्रश्न को पढ़ते समय, लिखा हुआ है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। नेशनल जरूर है बट इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। नेशनल है जरूर है बट इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। सर, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये जो डे है, ये 2010 में, ये जो डे है ये 2010 में बराक ओबामा कौन है आपको पता ही है, बराक ओबामा जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो बराक ओबामा जी द्वारा इसको समर्थित किया गया था, ताकि विश्व में जो मानव तस्करी होती है फॉर सेक्सुअल एब्यूज, फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फॉर ऑर्गन वगैरह के लिए, अंग वगैरह के लिए होती है, उसको रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को आपका नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे जो है ये 11 जनवरी को मनाया जाता है, अमेरिका द्वारा समर्थित है, इसको याद रखिएगा। भारत से, मतलब भारत में भी मनाया जाता है लेकिन इसका भारत से उतना रिलेशन नहीं है, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत में इसको मनाया जाता है, इसको पूरे विश्व में मनाया जाता है, नेशनल जरूर है। आगे, 11 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और इसको समर्थन जो दिया था वो 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा जी द्वारा इसको मनाया जाने लगा था पूरे विश्व में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो थीम रहती है वो ब्लू रहती है। इस दिन जो लोग कपड़े पहनते हैं वो ब्लू कपड़े पहनते हैं। अगर आप भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सपोर्ट करना चाहते हैं तो 11 जनवरी को ब्लू कपड़े आपको पहनने चाहिए थे। तो फिलहाल ब्लू जो रहती है वो इसकी थीम रहती है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पहला राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस जो है ये आपका कब मनाया गया था? ये आपका 2011 में मनाया गया था। ठीक है, हाँ, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, अब सही बोले तुम।
केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो केवड़िया रेलवे के जो न्यूज जितनी इंपॉर्टेंट होगी उस पर उतना ही समय जाएगा। अगर न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो मैं एक मिनट में बताकर निकल जाऊंगा, क्योंकि पेपर में जो आपके पूछे जाने लगे मैं केवल आपको वही पढ़ाऊंगा। मैं खामखा सेशन को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए अगर आपको लगता है कि कम सर ने एक न्यूज एक ही मिनट में निपटा दी, एक न्यूज में सर 5 मिनट दे रहे, तो इसका मतलब है कि वो न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर ज्यादा टाइम दिया जा रहा है। तो आप बस सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखो, बाकी करंट अफेयर्स आपका पेपर में आएगा और पूरी तरीके से आएगा, आता रहा है, इस पर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो आ रहा है आपके सामने आप केवल बस उसे अपने दिमाग में ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करें, सिंपल इतना करें। केवड़िया स्टेशन का नाम बदलकर कहां कर क्या कर दिया गया? देखो केवड़िया है कहां? गुजरात में। वहीं पर क्या बना है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले क्या थे, कौन से मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? अच्छा, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई किसने है? रामवीर सुतर ने बनाई है। किसने बनाई है? रामवीर सुतर। ये इनके क्या है, आर्किटेक्ट है। वैसे तो एलएनटी ने बनाई है, बट रामवीर सुतर जो है वो आर्किटेक्ट है। ये कहां पर है? गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म तिथि है 31 अक्टूबर, उसको हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, इसीलिए इसका नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। सरदार पटेल जी की, सरदार पटेल जी ने मिलाया था ना पूरे भारत को, एकता बनाई थी, तो ये एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया। तो फिलहाल एकता, इसका तस्वीर भी देख लीजिए, केवड़िया स्टेशन होता था, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो अब थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये आपकी कहां पर है, गुजरात के केवड़िया में, रामवीर सुतर ने बनाई थी, तो इसके नाम पर इसका नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और अभी हाल ही में कई सारे नाम जो है वो बदले गए हैं, उनमें से बात कर लेते हैं। जैसे हावड़ा कालका मेल, इसका नाम बदल दिया गया था, हावड़ा कालका मेल, इसका नाम कर दिया गया था नेताजी एक्सप्रेस। इसका नाम क्या कर दिया गया था? नेताजी एक्सप्रेस। इसका नाम क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। ये पूरी वो लिस्ट है जो नाम बदले गए हैं, ठीक है। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और इसका नाम बदलकर कर दिया गया है संभाजी नगर। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। एक लिस्ट मैंने पहले भी दी थी, वो भी लिस्ट आ जाएगी, संभाजी नगर। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन, सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम क्या रखा गया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है अटल पथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम क्या रखा गया है? अटल पथ। देखो जिनको समस्या थी कि नोटेशन वाली पीडीएफ नहीं मिल रही, नोटेशन वाली पीडीएफ मिलने लगेगी, आप परेशान ना हो, आप बस देखते जाइए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम क्या कर दिया गया? अटल पथ, अटल पथ। फेसबुक का नाम बदलकर क्या हो गया है? फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। फेसबुक ऐप का नाम नहीं बदला है, फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। माउंट हैरियट, माउंट हैरियट ये कहां पर है? ये अंडमान निकोबार में है। इसका नाम बदला गया, अभी इसका नाम कर दिया गया माउंट मणिपुर। इसका नाम क्या कर दिया गया? माउंट मणिपुर। माउंट हैरियट का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया? माउंट मणिपुर। क्या कर दिया गया? माउंट मणिपुर कर दिया गया। मुंबई कर्नाटक एरिया का क्षेत्र का नाम बदला गया। मुंबई कर्नाटक मिला जुला क्षेत्र है, जो एक क्षेत्र में आता है बफर एरिया, उसका नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया। कित्तूर कर्नाटक कर दिया। माफी चाहूंगा थोड़ा ज्यादा चिल्ला नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करता हूं आपको लग रहा होगा कि सर की एनर्जी डाउन है। एनर्जी मेरी अंदर से डाउन नहीं है, अंदर से पूरी एनर्जी, गले में आवाज नहीं आ रही है बस। फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या जंक्शन कर दिया गया। फैजाबाद जंक्शन का नाम क्या कर दिया गया? अयोध्या जंक्शन कर दिया। मिड डे मील का नाम बदल दिया गया। मिड डे मील का नाम बदल दिया। मिड डे मील का नाम बदलकर क्या कर दिया? पीएम पोषण स्कीम कर दिया। पीएम पोषण योजना कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पीएम पोषण स्कीम या पीएम पोषण योजना कर दिया गया। इसके बाद लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम बदल दिया। चैनल थे ना लोकसभा और राज्यसभा टीवी, उनका भी नाम बदल दिया। उनका नाम बदलकर क्या कर दिया? संसद टीवी कर दिया। एक ही बना दिया, उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संसद टीवी कर दिया। शेयर करते रहना दोस्तों। पुणे आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ। पुणे आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम कोई आइडिया है? नहीं आइडिया। नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। किनके नाम पर रख दिया गया? नीरज चोपड़ा के नाम पर रख दिया गया। क्या नाम रख दिया? नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम कर दिया गया। मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन, जोधपुर रेलवे स्टेशन, मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन, मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन, ये आपका जोधपुर में है। तो मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया, महेश नगर रेलवे स्टेशन। अब इनमें से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है, और एक जब भी पूछ लिया गया बस आज का करंट अफेयर सफल हो गया।
आगे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, वापस इसका नाम क्या कर दिया गया, ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। देखो कैसे संपूर्णता का एहसास होता है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, संपूर्णता का एहसास ऐसे होगा कि आप में को इसमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पहले से पता होंगी, अगर वो आ रही है तो इसका मतलब आपने सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, एक बार दोबारा देख ले, हावड़ा कालका मेल नेताजी एक्सप्रेस, इधर से दिखाता हूं, हावड़ा कालका मेल नेताजी एक्सप्रेस, औरंगाबाद संभाजी नगर, प्रवासी भारतीय केंद्र सुषमा स्वराज भवन, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अटल पथ, फेसबुक का नाम मेटा, माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर, ये अंडमान निकोबार में है, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र, फैजाबाद जंक्शन अयोध्या, मिड डे मील का नाम पीएस पोषण योजना, लोकसभा और राज्यसभा टीवी का नाम संसद टीवी, पुणे आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा क्रिकेट नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम, मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन महेश नगर रेलवे स्टेशन, ये जोधपुर में है याद रखिएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय के ओरांग नेशनल पार्क, राजीव गांधी खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। इसके अलावा उस दिन पहले भी मैंने आपको एक लिस्ट दी थी और वो कुछ इस तरीके से थी, मोवाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह हॉकी स्टेडियम, ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम किया गुजरात ने, पर्यावरण भवन, पर्यावरण भवन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय भवन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन, तात्या मामा रेलवे स्टेशन एमपी में है। इसके अलावा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया, अलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, रायपुर का नाम न्यू अटल नगर, और आईबीएफ यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया। ठीक है, आगे मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम का नाम बदला गया पंजाब किंग्स कर दिया गया, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का नाम बदला गया रॉयल चैलेंजर कर दिया केवल, चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन। इसके अलावा गोरेवाड़ा जू, गोरेवाड़ा महाराष्ट्र में है, इसका नाम कर दिया गया बाला साहब चिड़ियाघर, बाला साहब चिड़ियाघर। अलीगढ़ का नाम अभी हाल ही में बदला गया, इसका नाम कर दिया गया है हरिगढ़, हरिगढ़। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम भी बदल दिया जा रहा है और इसका काम नाम कर दिया जाएगा राम गंगा नेशनल पार्क, इसका नाम क्या कर दिया जाएगा राम गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आज आएगा रात, आज शाम को आएगा, हाँ आज शाम को आएगा एसएससी जीडी का वीडियो, शेयर कराओ भाई कस के एकदम भौकाली तरीके से, मजा नहीं आ रहा आज। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे थे जो 2021 में नाम बदले गए। अब चलते हैं किताब की ओर, एक किताब आ रही है रतन टाटा जी के ऊपर, रतन टाटा जी की ऑटोबायोग्राफी आ रही है, बायोग्राफी आ रही है, बायोग्राफी किसने लिखी है, देखिए ये बायोग्राफी जो लिखी है वो लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज ने, डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज ने ये बायोग्राफी लिखी है, तस्वीर इनकी है, ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज है, ये रतन टाटा है, तो रतन टाटा जी के ऊपर एक किताब आ रही है और इसको कौन लिख रहे हैं, इसको एक पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज ने लिखा है। अगर हम रतन टाटा की बात करें तो 1937 में इनका जन्म हुआ था, इनका पूरा नाम है रतन नवल टाटा, जो 1961 में कंपनी के टाटा ग्रुप से जुड़े थे और 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। आज की डेट में टाटा की बात की जाए तो बड़ी कंपनी है, अब तो उसमें बारे में क्या बोलना, हाँ ये आईएएस रहे हैं। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा रतन एंड टाटा द ऑथोराइज बायोग्राफी, ये कब आएगी, ये नवंबर 2022 में आएगी। इसके अलावा कुछ पुस्तकें अभी चर्चा में रही, जैसे गांधी असैसिन, ये पुस्तक चर्चा में रही, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है धीरेन्द्र कुमार झा की, ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक है धीरेन्द्र कुमार झा की, ये पुस्तक किसकी है, धीरेन्द्र कुमार झा की। इसमें से जो जो आपको पता है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए, काम हो जाएगा। पुस्तक से क्या पूछेगा, डायरेक्ट यही तो पूछेगा कि ये पुस्तक किसकी, और क्या पूछेगा। अब फालतू का तुमको मैं बताता रहूं कि रतन टाटा ने ये किया, रतन टाटा ने वो किया, रतन टाटा ने शादी नहीं की, रतन टाटा ने, तो क्या फायदा, वो करंट अफेयर्स में थोड़ी ना पूछेगा रतन टाटा ने किससे शादी की। बैचलर डैड, ये तुषार कपूर की है, बैचलर डैड ये किसकी है, तुषार कपूर की, बैचलर डैड जो है वो तुषार कपूर की। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म यूपी, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म यूपी, ये शांतनु गुप्ता की है, ये किसकी है, ये शांतनु गुप्ता की है। प्राइड प्रेजुडाइस एंड पंडित्री, ये किसकी है, शशि थरूर की, ये किसकी है, शशि थरूर की, ये किसकी है, शशि थरूर की। फिर द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये है संजू वर्मा की, ये किसकी है, संजू वर्मा की,
ये किसकी है? संजू वर्मा की। डॉक्टर बी एल दत्त ग्लिम्स ऑफ पाइनियर ए लाइफ जर्नी। अब ये मत कहना सर इसको हिंदी में बताओ, ये पुस्तक ही पुस्तक का नाम है भाई। ये लिखा है बी एल इंदिरा दत्त ने। किसने लिखी है? बी एल इंदिरा दत्त ने। बी एल इंदिरा दत्त ने। आगे कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड, ये पुस्तक लिखा है निर्मल चंद्र बिज ने। ये आर्मी चीफ रहे निर्मल चंद्र बिज ने। निर्मल चंद्र बिज, निर्मल चंद्र बिज, निर्मल चंद्र बिज, वी आई जे लिखा हुआ है। आगे द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर, गौतम चिंतामणि। ये पुस्तक किसकी है? गौतम चिंतामणि। आप अगर हर पर डे करंट अफेयर्स देखेंगे तो ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किताब छूट जाए। ममता बियॉन्ड 202, अभी दो तीन दिन पहले बताया। ये किसकी लिए है? जयंत घोषाल की। ये पुस्तक किसकी है? जयंत घोषाल की। जयंत घोषाल ने लिखी है और अर्णव सिन्हा ने क्या किया है? अनुवादित किया है। तो ममता बियॉन्ड 202 एक बार दोबारा देख लीजिए। गांधी असैसिन दिनकर कुमार झा, धीरेन्द्र कुमार झा। बैचलर डेड तुषार कपूर। द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म यूपी शांतनु गुप्ता। प्राइड प्रिजिडाइस एंड पंडित्री शशि थरूर। और संजीव वर्मा की है द मोदी गैम्बिट। डॉक्टर बी एल दत्त की है, बी एल इंदिरा दत्त वाली। कश्मीर ये निर्मल चंद्र विज की। द मिडवे बैटल आपका गौतम चिंतामणि की। और ममता बियॉन्ड 202 जयंत घोषाल की, याद रखिएगा ठीक। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब एक नई बात निकल कर आ रही है कि भाई हम लोग ये सब कॉप 26 कर रहे हैं, करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, मोदी जी जाते हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? तो हो रहा है 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। इस बार अभी रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि 2021 का जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री से लेके 1.2 डिग्री तक रहा। जो होता कि जो 2015 में हुआ था उसमें हमने कहा था कि किसी भी तरीके से इस सदी का तापमान जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से हम ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तो अभी तो आधी सदी भी नहीं हुई, अभी तो हम 2021 में ही चल रहे हैं। अब पता चला है कि 2021 यानी पिछले जो 7 साल रहे हैं वो विश्व के सर्वाधिक गर्म यानी पृथ्वी के सबसे गर्म सालों में से एक रहे। तो हाल फिलहाल 2021 जो है उसने अब तक जब से पृथ्वी है, अब तक जब से पृथ्वी है उसमें 5वां सबसे गर्म वर्ष होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। 5वां सबसे गर्म वर्ष होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर अगर 5वां 2021 है तो सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा था? सबसे गर्म वर्ष रहा था 2016 और 2020, इसमें इक्वली था यहां पर। तो फिलहाल ये आंकड़ा किसने प्रस्तुत किया है? ये आंकड़ा यूरोपियन यूनियन ने प्रस्तुत किया है। अब यूरोपियन यूनियन से जुड़ी हुई दो बातें याद रखिए, यूरोपियन यूनियन से जुड़ी हुई दो बातें याद रखें। याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो आपका ब्रुसेल्स में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और यूरोपियन यूनियन बैंक का जो मुख्यालय है, यूरोपियन यूनियन बैंक का मुख्यालय जो है वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में है। वो उसका मुख्यालय कहां पर है? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन में आपके 27 देश जो है वो मिलकर के काम करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने आंकड़ा दिया कि 2021 जो है वो 52 साल के यूरोपीय रिकॉर्ड में 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। इसके कहने का मतलब यह है कि इस बार जो टेम्परेचर रहा वो 1.1 डिग्री से लेके 1.2 डिग्री सेल्सियस तक रहा। सर गर्म क्यों हो जाता है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण। ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट है। एक्चुअल में क्या है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं तो लगातार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जाती रहती है और पेड़ जो है या वृक्ष है उतना कार्बन डाइऑक्साइड सोख नहीं पाते, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। इस बार ला नीना का इफेक्ट भी रहा। आपको याद होगा कि कनाडा इस बार पूरा झुलस गया था गर्मी के महीने में। गर्मी के महीने में कनाडा का जो तापमान था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर गया था। वैंकूवर में तो एक दिन में ही 134 लोगों की मौत हो गई थी। तो कनाडा में लगातार टेम्परेचर बढ़ा। आपने देखा जर्मनी में भी बाढ़ आई। तो बहुत सारी मौसम संबंधी जो है वो गतिविधियां हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस आंकड़े के ऊपर बात करते हैं। इस आंकड़े में अगर आप गौर से देखें, फिलहाल ये आंकड़ा जो है ये आपका क्लाइमेट चेंज का है। इसमें देख सकते हैं कि 2016 और 2020 जो है वो अब तक के सबसे गर्म वर्ष है पिछले 52 साल से जब ये रिकॉर्डिंग की जा रही है। उसके बाद 2019 का नंबर आएगा, फिर 2017 का नंबर आएगा और अब 2021 यहां पर आ गया है। तो 2021 जो है वो इस जगह पर आया है। तो अगर आप देखें तो 2020 के दौरान तो काफी लॉकडाउन वगैरह था, फिर भी 2020 का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा है। और अगर आप देखें तो ये पूरे के पूरे जो आंकड़े हैं पिछले जो गर्म वर्ष रहे हैं 2018, 15, 17, 19, 20, 16, ये सभी इधर के 7 वर्ष रहे हैं।
2021 जो है वो पांचवा सबसे गर्म वर्ष रहा है। इसके अलावा कॉप 26 के बारे में थोड़ी सी बात करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि कॉप 26 में भारत ने कई सारे कमिटमेंट किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक इस बार कहां पर हुई थी? ग्लासगो में हुई थी। 2027 में कहां कॉप 27 कहां पर होगा? वो आपका इजिप्ट में होगा। और कॉप 28 कहां पर होगा? वो आपका यूएई में प्रस्तावित है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी जब यहां पर गए तो उन्होंने वहां पर कई सारे पांच कमिटमेंट किए। पांच कमिटमेंट को ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए कि भारत जो है वो अपना गैर जीवाश्म ईंधन कैपेसिटी कितना बढ़ा लेगा? 500 गीगावाट, आंकड़े पूछे जा सकते हैं, 500 गीगावाट बढ़ा लेगा 2030 तक। इसके अलावा इंडिया जो है ये 50% जो है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट 2030 तक आपके रिन्यूएबल एनर्जी से यानी सोलर पावर वगैरह से निकालने लगेगा। इंडिया जो है अपना टोटल कार्बन इमिशन जो है वो 1 बिलियन टन यानी कि 1 बिलियन टन तक रिड्यूस कर देगा 2030 तक इंडिया जो है अपनी कार्बन इंटेंसिटी को 45%, पहले हमारा टारगेट कितना था 35%, वहां पर जाके हमने 45% कर दिया। ये थोड़ी सी गलत चीजें की है। पहले हमारा टारगेट 450 गीगावाट था, कुछ वहां पे प्रेशर में डाल दिया, पता नहीं क्यों इतना बड़ा बड़ा कमिटमेंट किए, फिर भी अच्छी बात है किए हैं तो पूरा ही होना चाहिए, तो 35 था लेकिन इसको 45 कर दिया। और 2070 तक भारत ने कमिटमेंट किया है कि हम नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण आप कर सके। हाल फिलहाल चाइना ने ऐसा कोई कमिटमेंट इस बार नहीं किया है, लेकिन चाइना ये कह चुका है कि 2060 तक पहले उसने अभी कमिटमेंट वहां पर नहीं किया, जाके पहले कमिटमेंट किया, और यहां हमने पहले कोई कमिटमेंट नहीं किया था, हमने जाके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में कमिटमेंट कर दिया। ये थोड़ी सी गलत बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आप कमिटमेंट पहले कर लो। चाइना ने वहां कोई कमिटमेंट नहीं किया, चाइना कोई जवानी नहीं दी। 2060 है, 2060 तक हम अपने को नेट जीरो करेंगे। यूनाइटेड स्टेट कहता है कि 2050 तक हम अपने आपको नेट जीरो करेंगे। नेट जीरो मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं उतना ही हम अवशोषण करेंगे। आपको एक प्रश्न बताना है कि उपलब्ध ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा तेजी से होती है, वो कौन सी होती है? हाल ही में लीजेंड लीड क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये इनको देखें, ये है झूलन गोस्वामी। सर ये है क्या लीजेंड लीड क्रिकेट? सीएफसी सबसे खतरनाक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर सबसे ज्यादा है, मेथेन का प्रेशर उसके बाद आता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हाईली एक्टिव होते हैं, इनको हैलोजेंस कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? हैलोजेंस, ये सबसे हैलो करते रहते हैं, इनिशियली इनको कहा जाता है हैलोजेंस, ये सबसे हैलोजन करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, क्लोरीन है ना, तो ये जो होते हैं क्लोरीन फ्लोरीन जो होते हैं ना, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये किसी के साथ भी हैलोजन कर लेते हैं, हैलोजन मतलब किसी के साथ भी बॉन्डिंग कर लेते हैं, इस वजह से ओजोन परत को तत्सत्या नाश कर रहे हैं ये, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। आगे इस न्यूज की बात करते हैं, लीजेंड्स लीग क्रिकेट ये है क्या? सर लीजेंड लीग क्रिकेट क्या है? कुछ लोगों को मन था कि चलो एक बार फिर से वीरेंद्र सहवाग को खेलते हुए देखें, मुतैया मुरलीधरन को खेलते हुए देखें, केविन पीटरसन को खेलते हुए देखें। तो हाल फिलहाल लीजेंड लीग क्रिकेट जो है ये 20 जनवरी 2022 से शुरू हो रही है, ये 20 जनवरी 2022 से शुरू हो रही है। पहले ये यूएई में प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये ओमान के मस्कट स्टेडियम में खेली जाएगी। कहां पर खेली जाएगी? ओमान के मस्कट स्टेडियम में खेली जाएगी। क्रिकेट लीग है, इसमें तीन टीमें खेल रही हैं। इसमें तीन टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं? इंडिया महाराजा एक खेल रही है, एशिया लॉयन और एक खेल रही है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का अभी टीम घोषित नहीं हुआ है। बाकी इंडिया महाराजा में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह वगैरह आपको देखते हुए मिलेंगे। एशिया लॉयन में मुतैया मुरलीधरन, लसित मलंगा, वसम आपको खेलते हुए मिलेंगे। ये कहां पे शुरू हो रही है? 20 जनवरी 2022। अब एलएलसी ने क्या किया कि भाई इन्होंने कहा कि मैच तो हम लोग पुरुषों का करा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं ऑफिशियल जितने रखते हैं वो सबको महिलाएं बना देते हैं। तो ये पहली बार कोई लीग है जिसको पूरी तरीके से महिलाएं ऑपरेट करेंगी और पूरी तरीके से इसके जो ऑफिशियल अधिकारी होंगे वो महिलाएं होंगी। इसमें झूलन गोस्वामी को इस लीग क्रिकेट का महिला सशक्तिकरण के माध्यम से एक प्रस्ताव देने के लिए, महिला सशक्तिकरण का एक मैसेज देने के लिए झूलन गोस्वामी को क्या बना दिया गया? इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये कहां पर होने वाली है? ओमान मस्कट में खेली जाएगी। तीन टीमें खेलेंगी, इंडिया महाराजा, एशिया लॉयन और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। फिर इसमें झूलन गोस्वामी को एज ए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, फिलहाल याद रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका के सॉन्डर फिट जो है वो पूरी मैच के रेफरी रहने वाले हैं। तो फिलहाल ये पहली एक ऑफिशियल टीम होगी जिसमें पूरी तरीके से क्या होंगी? महिलाएं होंगी। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर से मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल ही में किसी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, आपको याद आया?
किसको बनाया गया था बताइए? अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ उसने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। इस समारोह के लिए भी किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋषभ पंत को। किसको बनाया गया है? ऋषभ पंत को। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वो बनाए गए संजय दत्त। वो कौन बनाए गए? संजय अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने भी अभी एक काम किया था कि कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किसको बनाया था? महाराष्ट्र सरकार ने COVID-19 वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किसको बनाया था ब्रांड एम्बेसडर? COVID-19 का ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने बनाया था वैक्सीनेशन का, सलमान खान को। किसको बनाया था? सलमान खान को। अच्छा, यूपी सरकार ने अभी हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? कंगना रनावत को। किसको किया? कंगना रनावत को, कंगना दीदी को, रनावत को भैया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा, मैरी कॉम को बनाया गया। किसको बनाया गया? मैरी कॉम को, एमसी मैरी कॉम को। इसके अलावा आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है गूवी, GUVI, इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में घोषित किया गया। किसको? स्मृति मंधाना को। क्रिकेट से जुड़ा हुआ है इसलिए याद आ गया मुझे, स्मृति मंधाना को। किसको बनाया गया? स्मृति मंधाना को। क्या मैंने बता दिया आपको? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को, अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त, महाराष्ट्र के COVID-19 के ब्रांड एम्बेसडर आपके सलमान खान बनाए गए, यूपी के ODPOP ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंगना रनावत को, ट्राइफेड आदि महोत्सव का मैरी कॉम को। एक और याद आ गया, माफी चाहूंगा, ये इंटेंशनली नहीं हो रहा, अपने आप ही आ रही। राजस्थान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? राजस्थान ने बेटी बचाओ बेटी, हाँ जी, सर जी मैं पेन मोटा नहीं हो पाएगा बेटा, अगर मैं पेन मोटा करूंगा तो ये आपको मिलेगा नहीं। आप सुनो ना, ये PDF में मिल जाएगा, पढ़ लेना। अगर मैं पेन मोटा करूंगा तो ये नोटेशन सेव नहीं हो पाएंगे। हाँ, अवनी लेखारा को, अवनी लेखारा को, ठीक। और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखा करो, आप तो नेट वेट बहुत सस्ता है, 144 पे देखोगे तो नहीं दिखेगा। लिखा क्या है? दुनिया का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंध मंच, यानी कि ऑटोनोमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ये किसने बनाया है? ये बनाया वैभव घड़ियाल ने। वैभव घड़ियाल का नाम याद रखिएगा, बहुत बढ़िया काम कर दिया इन्होंने। इन्होंने दुनिया का पहला ऑटोमेटिक, मतलब पूरा सिस्टम अपने आप ही, लाइट वाइट कहां पर लगनी है, कहां पे क्या होना है, कब गाड़ी रुकनी है, कब क्या होना है, ये दुनिया का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और ये हेडन USA में कार्यकारी उपाध्यक्ष है। इसमें क्या होगा? लाइन है, पार्किंग मीटर है, आदि जगहों पर एक विशिष्ट 3D नक्शा बनाने में पूरी तरह से मदद करेगा। तो नाम याद रखिएगा, वैभव घड़ियाल। अच्छा, इनको पहचान रहे हो? इनको पहचान रहे हो? कितने लोग पहचान पा रहे हो? सही से पहचानो। इनको पहचानो, नहीं पहचान पा रहे हो? ये अपनी मुन्नी है भाई, बड़ी हो गई है। हाँ, और इनको अभी हाल ही में, इनका नाम है हरसाली मल्होत्रा, बजरंगी भाईजान वाली मुन्नी है ये। और डॉक्टर विजय केडिया को, ए और बी दोनों को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, और समाज के क्षेत्र में बढ़िया काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, या किसी विशिष्ट सिनेमा में या आर्ट के क्षेत्र में आप बढ़िया काम करते हैं तो ये दिया जाता है। तो हरसाली मल्होत्रा को ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है, विजय केडिया के साथ, ठीक। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 9 जनवरी 2022 को मुंबई में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार जो है वो प्रदान किए हैं। उन्होंने अभिनेत्री हरसाली मल्होत्रा और केडिया सिक्योरिटीज के MD डॉक्टर विजय केडिया को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर की बात तो आपको तो पता ही है कि भाई बाबा जी के बारे में क्या कहना। डॉक्टर अंबेडकर जो है भारत के पहले कानून मंत्री थे और संविधान निर्माता थे। अगला एक और अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड उस वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी का नाम आपने नहीं सुना होगा, अगर सुना होगा तो नहीं, मतलब सुना है कि नहीं सुना, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि आपने सुना है कि नहीं सुना। तो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के बारे में मैं आपको बताऊं, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जो है ये भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो था, कनुप्रिया अग्रवाल, भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी थी? कनुप्रिया अग्रवाल। कनुप्रिया अग्रवाल जो है इसका जन्म 1978 में हुआ था, और इसको जन्म देने वाले, अपने लैब के अंदर जन्म देने वाले, यानी भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी
डेवलप करने वाले जो थे वो थे डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, बंगाल पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन इनके नाम को मतलब इनके काम को किसी ने भी प्रोत्साहन नहीं दिया। 1981 में इन्होंने सुसाइड कर दिया था, और बाद में पता चला कि यार भारत का पहला IVF से बनने वाला बेबी था वो तो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी बना गए थे। तो इनके नाम पर ICMR ने, ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, हर साल सुभाष मुखर्जी पुरस्कार देता है जो व्यक्ति IVF यानी IVF जो टेक्निक होती है मतलब कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराने की, उसके लिए ये दिया जाता है। इस बार ये सतीश अडिगा जी को दिया गया है। ये किसको दिया गया है? डॉक्टर सतीश अडिगा जी को दिया गया। तो मणिपाल के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में नैदानिक भ्रूण विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रदान किया गया। डॉक्टर अडिगो को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेक्निक आप सभी जानते होंगे, मतलब कि कृत्रिम गर्भाधान के जरिए बच्चे जो है वो उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो इसके क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ICMR। ICMR कई सारे हैं भारत में, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, कई सारे सेंटर हैं उनके। न्यू दिल्ली में मेन सेंटर है। बलराम भार्गव जो है वर्तमान समय में ICMR के हेड है। बलराम भार्गव, डॉक्टर बलराम भार्गव जो है वो ICMR के वर्तमान समय में हेड है। किसके हेड है? ICMR के वर्तमान समय में हेड है। आगे ICC ने दिसंबर 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड किसे चुना है? तो मेंस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड की घोषणा की है, पता नहीं क्यों वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा नहीं की है। तो दिसंबर माह के लिए एजाज पटेल को चुना गया। एजाज पटेल को याद होंगे, सत्यानाश कर दिया था वानखेड़े में इसने, पूरे के पूरे 10 विकेट ले लिए थे इंडिया के। न्यूजीलैंड के प्लेयर है जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद एक पारी में 10 विकेट लेने का जो कीर्तिमान है वो इन्हीं के नाम है, एजाज पटेल के नाम पे। तो इसीलिए इस बार ICC ने इनको दिसंबर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। अगला, IPL का आगामी टाइटल स्पॉन्सर कौन बनने वाला है? तो आगामी टाइटल स्पॉन्सर टाटा बनने वाला है। ये अच्छी बात है, वीवो की स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाएगी, अभी 2 साल के लिए है, फिर उसके बाद 2022 से जो IPL होगा उसका स्पॉन्सरशिप कौन करेगा? टाटा करेगा। IPL का इस बार कौन सा संस्करण था? आपका 14वां संस्करण था। कहां खेला गया था? आधा भारत में खेला गया था, आधा UAE में खेला गया था। तो 2022 के शीर्षक प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह कौन लेने वाला है? टाटा लेने वाला है, अपना टाटा। इस बार IPL का 14वां संस्करण था और इसमें कौन कौन से अवार्ड दिए गए देख लेते हैं। इस बार जो विनर रहा है वो रहा है चेन्नई सुपर किंग, 20 करोड़ रुपया मिला। रनर अप यानी कि कोलकाता नाइट राइडर को हरा करके जीता। तीसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल रहा, फिर उसके बाद रॉयल चैलेंजर बैंगलोर रहा। अगर देखा जाए तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड का, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है ऋतुराज गायकवाड को। पेयर प्ले अवार्ड गया राजस्थान रॉयल्स को। गेम चेंजर ऑफ सीजन हर्षल पटेल। सुपर स्ट्राइकर ऑफ सीजन सिमरन हेटमेयर। मैक्सिमम सिक्सेस अवार्ड KL राहुल को। और पावर प्लेयर ऑफ द सीजन वेंकटेश अय्यर को। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन रवि बिश्नोई को। पर्पल कैप हर्षल पटेल को, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है। ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ को और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हर्षल पटेल को। ये वाला अवार्ड याद रखिए, ये वाला याद रखिए, ये वाला याद रखिए और ये वाला याद रखिए। ये चार अवार्ड आप हर हाल में याद रखेंगे IPL के। कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। एक बार और शेयर करो भाई सभी लोग। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने गीता गोपीनाथ की जगह पियरे ओलिवियर को बुलाया है। गीता गोपीनाथ को कहां भेज रहे हैं? गीता गोपीनाथ को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं। किसमें बना रहे हैं? IMF में। गीता गोपीनाथ ने कह दिया था मैं IMF में नहीं रहूंगी, तो इन्होंने कहा लो प्रमोशन लो, तो DMD बना दिया, यानी कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अधिकारी जो IMF में वर्तमान समय में होंगी वो गीता गोपीनाथ होगी। गीता गोपीनाथ जो चीफ इकोनॉमिस्ट थी वो, उनकी जगह कौन लेने वाले हैं? उनकी जगह लेने वाले हैं पियरे ओलिवियर। आपको एक प्रश्न का उत्तर करना है कि पहला भारतीय कौन है जो IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम किया? पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम किया? IMF जो है इसका मुख्यालय Washington DC में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? Washington DC में है। और इसमें, इस वर्तमान समय में इसकी जो हेड है वो है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। उनका नाम क्या है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। प्रश्न ये नहीं है कि ये इनका इसके मुखिया कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, प्रश्न ये है कि क्रिस्टलीना जॉर्जीवा किस देश से बिलोंग करती है? रघुराम राजन, रघुराम राजन, रघुराम राजन जो है वो आपके पहले, हाँ जी रघुराम राजन, रघुराम राजन जो है वो पहले IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर काम करने वाले पहले भारतीय थे, है ना। कुछ लोग अमर सेन बता रहे हैं, है ना। गोपीनाथ पहली महिला है, गोपीनाथ क्या है? पहली महिला है, ठीक है। गोपीनाथ पहली महिला अर्थशास्त्री है और पहली भारतीय महिला अर्थशास्त्री भी, पहली महिला अर्थशास्त्री भी है, चीफ इकोनॉमिस्ट भी है जो IMF में काम किए। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा किस देश से बिलोंग करती है?
बुल्गारिया से बिलोंग करती है। किस देश से बिलोंग करती है? बुल्गारिया से। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। आज की डेट में जितने भी हेड है अब वो किस किस देश से बिलोंग करते हैं वो भी आपको याद करना पड़ेगा, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो फिलहाल 24 जनवरी 2022 को वो अपना काम शुरू कर देंगे। और फिलहाल जेफरी ओकोमोटो जो अभी तक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे उनकी जगह कौन ले लेंगी? गीता गोपीनाथ उनकी जगह ले लेंगी। अगली जानकारी, उड़ीसा सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, मुझे तो अच्छा लगा ये काम, कि जो कोविड-19 के दौरान जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे, बच्चे क्या बोलेंगे, 32 वर्ष आई 38 वर्ष कही गई तो बच्चे नहीं होंगे 32 वाले, लेकिन फिलहाल इन्होंने एक काम बढ़िया किया है कि जिनको भी जो एग्जाम नहीं दे पाए थे उसकी आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 38 वर्ष कर दी है। जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब सब जो 32 वर्ष पे जिनकी आयु खत्म हो रही थी उनको 32 से 38 यानी 6 साल बढ़ाई गई है। ये अपने आप में बढ़िया काम किया है। इसके अलावा मातृत्व अवकाश जो 90 दिन का मिलता था उसको बढ़ाकर 180 दिन कर दिया, लेकिन इसमें लोचा किया, ये जो 180 दिन किया है ना ये सबके लिए नहीं किया, ये जो उच्च शिक्षा विभाग में महिलाएं काम करती हैं राज्य उच्च शिक्षा विभाग में उन्हीं के लिए किया गया है। तो उड़ीसा सरकार ने दो निर्णय लिए और बढ़िया तोहफा दिया कि सरकारी नौकरी की आयु सीमा बढ़ाकर 32 से 38 वर्ष कर दी है और मातृत्व अवकाश जो सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेज है वहां पर 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन किया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा भी हाल ही में चर्चा में रहा। श्रीनिवास उद्गाता और दिव्या दत्ता, सुन लो बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, सुन लो केवल, दिव्या दत्ता को कलिंग साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उड़ीसा का गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना पत्रकारों के लिए थी जिन्होंने कोविड-19 के दौरान काम किया है, उन पत्रकारों को बीमा कवर इस योजना के जरिए प्रोवाइड कराया गया। देश का पहला स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करने वाला राज्य कौन है? उड़ीसा है। इसके अलावा अगर आप बात करें उड़ीसा में पुरी में, आप कहीं पर भी चले जाइए आप आराम से पानी पीजिए, आपको आरओ का वाटर मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। वंदे उत्कल जननी जो है, वंदे उत्कल जननी ये राजकीय गार्ड, उड़ीसा के सीएम जो है नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल है, कैपिटल भुवनेश्वर है, इस पीपल का पेड़ जो है वो राजकीय वृक्ष है, स्टेट फ्लावर अशोक है, राजकीय पक्षी इंडियन रूलर है, राजकीय पशु सांबर हिरन, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। डांस फॉर्म की बात करें तो लौदी खेला, छाऊ मयूरवन एसएससी ने पूछा, नेशनल पार्क सिमलीपाल, भीतरकनिका, ऊषाकोटी प्रमुख नेशनल पार्क, टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट आपको उड़ीसा में मिलेंगे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भारत का पहला राज्य बना था, भारत का पहला राज्य बना था उड़ीसा, भारत का पहला राज्य, और 2011 में इसने अपना नाम बदल लिया था। चीफ जस्टिस वर्तमान समय में है जस्टिस एस मुरलीधर, चीफ जस्टिस वर्तमान समय में कौन है? जस्टिस एस मुरलीधर। उड़ीसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना उड़ीसा में ही आपको चिल्का झील मिलेगी जो खारे पानी की बड़ी झील है, और इसी के तट पर मिलेगा गाहिर माथा जहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो हर साल आते हैं। आगे 11 जनवरी 2022 को भारत ने किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। इसके तीनों वर्जन आ चुके हैं, यानी स्थल से भी लॉन्च किया जा सकता है, इसे हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है, और इसे नौसेना से भी, यानी एक जहाज से भी लॉन्च किया गया। तो हाल फिलहाल इसका जो संस्करण नौसैनिक संस्करण को लॉन्च किया गया है ब्रह्मोस एयरफोर्स के, ब्रह्मोस एरोस्पेस के अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर बदल दिए गए। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? अतुल दिनकर राणे, अतुल दिनकर राणे, इनका नाम याद रखिएगा, ये ब्रह्मोस एयरस्पेस को, एरोस्पेस को संभाल रहे हैं, अतुल दिनकर राणे। ब्रह्मोस की बात की जाए तो ये ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी को मिला करके रूस के साथ साथ एक मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल यानी कि ध्वनि की 2.5 गुना गति से तेज चलती है, और ये सबसे हल्के संस्करण में से एक और सबसे घातक मिसाइलों में से एक है जो भारत के पास है। तो ये विशाखापट्टनम में इसका परीक्षण किया गया है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये 2.8 गति से चलती है, यानी कि आपके ध्वनि के लगभग 2.5 गुना गति से तेज चलती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बारी आ गई वन लाइनर की। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। और रतन टाटा की अधिकृत जीवनी रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार 5वां सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? 2021। हाल ही में लीजेंड लीग क्रिकेटर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वो है झूलन गोस्वामी। और दुनिया का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच किसने लॉन्च किया है? वैभव गडियोग। 9 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? हाथाली मल्होत्रा और डॉक्टर विजय केडिया। सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सतीश अडिगा जी को। आईसीसी ने दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द
अवार्ड के रूप में किसे चुना है? एजाज पटेल को। आईपीएल का आगामी टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? टाटा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? पियरे ओलिवियर, पियरे ओलिवियर। ओडिशा सरकार ने मातृत्व अवकाश 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 180 दिन। और 11 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस का नौसैनिक संस्करण को लॉन्च किया गया। आज का प्रश्न है आपके लिए कि आपको दक्षिण से उत्तर जाते हुए भारत के समुद्री बंदरगाहों का सही क्रम लगाना है। कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मैंगलोर, कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, मैंगलोर, या फिर तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मैंगलोर, या फिर तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मैंगलोर और कोचीन। ठीक है, तो ये आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है इसका पूरा। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर याद रखिएगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसा नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक, तो ये करिएगा और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा सीए देखकर जरूर बताइएगा और वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा इसके बाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। बहुत टाइम पे खत्म किया आज मैंने।